हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी। आज हम याद करने वाले हैं क्या एंटी गाउट ड्रग को बहुत ही सिंपल वे में। कैसा लगा मेरा मजाक? चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं। समझिएगा, एंटी गाउट ड्रग जो है आपकी दो कैटेगरी में डिफाइन होती है। एक तो होती है एक्यूट गाउट के लिए और एक होती है आपकी क्रोनिक गाउट के लिए। चलिए तो एक एक करके दोनों को समझते हैं। समझिएगा, एक्यूट गाउट को सबसे पहले समझते हैं। एक्यूट गाउट में ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या है, आप लोग क्या करते थे एनसीसी में, क्या करते थे एनसीसी में दिन में पारों को देखते थे। क्या देखते थे? पारों को देखते थे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। क्या बोला तूने? क्लियर है? एनसीसी में क्या करते थे? यही नहीं, अभी और सुनिए। क्लियर हो गया? समझिएगा, आप लोग क्या करते थे एनसीसी में पारों को, दिन में पारों को देखते थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो ये ट्रिक याद हो जाएगी, इससे सारे ट्रिक याद हो जाएंगे। समझिएगा कैसे। एन से याद रखिएगा, एन से होता है NSAID, यानी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग। सी से याद रखना क्या, सी से याद रखना कॉल्सिसिन। क्लियर हो गया? सी से याद रखना क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। याद हो जाएगा या नहीं? एन से याद हो जाएगा NSAID, सी से याद हो जाएगा कॉल्सिसिन और सी से याद हो जाएगा क्या, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। याद रखिएगा NSAID में क्या याद रखना है, कौन कौन से ड्रग्स आपको यूज करने होते हैं NSAID में, वो भी याद रखना। दिन में पारों को देखते थे ना, तो दिन से डी से याद रखना डिक्लोफेनिक। डी से क्या हो जाएगा, डिक्लोफेनिक। आई से हो जाएगा इंडोमेटासिन। उसके बाद एन से क्या हो जाएगा, एन से याद रखना नेप्रोक्सेन। और पी से क्या हो जाएगा आपका, पाइरोक्सिकेम। क्या हो जाएगा, पाइरोक्सिकेम। तो ये आपके ड्रग हो गए किस में, एक्यूट गाउट में, जो कि बहुत ही इजी वे में आप याद कर सकते हैं। अब आ जाते हैं किस में, क्रोनिक में। क्रोनिक में याद कैसे रखना है, क्रोनिक में ऐसे याद रखिएगा, यहाँ पर दो कैटेगरी होती है। तो ऐसे याद रखिएगा कि सल्लू, आपने सुना होगा सलमान खान जी हैं, उनको सल्लू बोलते हैं। तो ऐसे याद रखना यूपी में सल्लू जी क्या करते थे, यूपी में सल्लू जी क्या करते थे, लस्सी पीकर बेंजो को क्या करते थे, साफ करते थे। क्या करते थे, साफ करते थे। याद होगा या नहीं? बहुत ही सिंपल ट्रिक है किसकी, क्रोनिक ड्रग की, समझना कैसे। यूपी में सल्लू जी क्या करते थे, लस्सी पीकर बेंजो को साफ करते थे। तो पहले साफ को देख लेते हैं। समझिएगा, ऐ जाएगा सिंथेसिस इनिबिटर। क्या हो जाएगा, सिंथेसिस इनिबिटर। ए से याद रखना ड्रग कौन कौन से यूज होते हैं, आलू पूरी नॉल किस में यूज होता है आपका, आलूपुरिनॉल जो यूज होता है आपके किसमें, सिंथेसिस इनहिबिटर में। एक होता है आपका फेवोक्सो स्टेट। क्लियर हो गया? तो एक तो हो गया फेवोक्सो स्टेट और एक हो गया आलूपुरिनॉल। उसके बाद यूपी में सल्लू जी लस्सी बेंजो, यहां पर क्या याद रखना, ये कौन से ड्रग है, यूरिकोसूरिक ड्रग है। पी से याद रखना प्रोवेनेसिड। क्या है आपका, ड्रग है। ऐसे सल्लू जी से क्या याद रखना, सल्फिन पायराजोन। ये क्या हो गया, सल्फिन पायराजोन। उसके बाद लस्सी से याद रखना लेसिनोरुड। और उसके बाद बेंजो से याद रखना क्या, बेंज ब्रोमा जोन। तो इसी के साथ ये सारे ड्रग्स आपके याद हो जाएंगे आपके एंटी गाउट ड्रग के। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। गजब बेइज्जती है।